गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चैप्टर सेकेंड आवर हेरिटेज। हमने प्रीवियस वीडियो में मैटेरियल हेरिटेज एंड नॉन मैटेरियल हेरिटेज के बारे में डिस्कस किया था, तो आज उससे रिलेटेड जो हमने पैरा पढ़ा था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है, तो फिल इन द ब्लैंक्स के थ्रू है। तो फर्स्ट वाला क्या क्वेश्चन है, द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल लिविंग इन ए पर्टिकुलर रीजन और सोसाइटी, their customs, beliefs and social manners that have been passed on from generation to generation is known as their। देखिए क्या है कि लोगों की जो लाइफ स्टाइल होती है, दिनचर्या, दिनशैली होती है ना, उनकी जीवन शैली जो कि विशेष क्षेत्र या सोसाइटी में होती है, रहती है, their custom, उनके रिवाज होते हैं, beliefs होते हैं, उनके विश्वास होते हैं और उनके social manners होते हैं और सामाजिक व्यवहार होते हैं, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे हम कल्चर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जाना जाता है उसे, कल्चर। ओके, सेकेंड, एनीथिंग डैट हैज़ कम डाउन टू अस फ्रॉम आवर फोर फादर्स इज कॉल्ड आवर हेरिटेज। एनीथिंग डैट हैज़ कम डाउन टू अस फ्रॉम आवर फादर, यानी कुछ भी चीज़ें जो हमारे पास में आती है, किससे आती है, हमारे पूर्वजों से, उसे हम क्या कहते हैं, हेरिटेज कहते हैं, विरासत कहते हैं। यानी जो चीज़ें हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त होती है उसे हम विरासत कहते हैं, यानी हेरिटेज कहते हैं। Isn't it clear? Third, something that was physically present in the past and which can now be touched is a part of our हेरिटेज। देख, कुछ चीज़ होती है जो फिजिकली प्रेजेंट रहती है, मतलब पास्ट की चीज़ होती है लेकिन जो वर्तमान में भी उसका अस्तित्व है, लेकिन जिसे हम छू सकते हैं, मतलब देखकर टच कर सकते हैं अब तो ये बताइए कौन सी उसमें हेरिटेज में आता है, ये आता है मैटेरियल हेरिटेज में आता है, ठीक है, यानी भौतिक विरासत में आता है। नेक्स्ट, आवर ट्रेडिशंस एंड कल्चर डैट हैव बीन पास्ड on from generation to generation are a part of our heritage। यानी हमारी जो traditions होती है, हमारी परंपराएं and culture, हमारी संस्कृति जो गुजरती यानी पास होती है एक generation से दूसरे generation पे, और ये हमारे किस विरासत का हिस्सा है, बन जाती है non-material heritage। non-material heritage यानी गैर भौतिक विरासत का पार्ट बन जाती है, ठीक है। तो मैटेरियल हमने किसे कहा, जो फिजिकली प्रेजेंट होती है, हालांकि वो पास्ट की होती है लेकिन वो फिजिकली प्रेजेंट में भी है, और हमारे जो ट्रेडिशंस, कल्चर होते हैं जो हमें एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन से हमारे पास में आती है, उसे हम नॉन मैटेरियल हेरिटेज कहते हैं। नेक्स्ट, द बिल्डिंग of earlier times are examples of our heritage and our food habits are examples of our, यानी डैश है heritage। देखिए दो questions इसमें बन रहे हैं इसके, तो the buildings of earlier times are examples of our। देखिए जो पुराने type की जो buildings होती थी, earlier यानी प्रारंभिक जो समय की वो buildings, इमारतें होती है, वो examples थे, किसके examples हैं, material के, विरासत के। एंड आवर फूड हैबिट्स जो होती है वो किसके एग्जांपल्स होते हैं, नॉन मटेरियल हेरिटेज के, यानी गैर भौतिक विरासत के। तो आप समझ गए होंगे हम मटेरियल किसे कहेंगे, कि कोई भी जो बिल्डिंग्स होती है, प्लेसेस होते हैं, मतलब पैलेसेस होते हैं, या फिर प्लेस ऑफ वर्शिप होते हैं, फोर्ट्स होते हैं, तो ये सब चीज़ें जो होती है, जो बिल्डिंग्स एज ए बिल्डिंग्स होती है, यानी उसे मटेरियल कहा जाता है। एंड पेंटिंग्स भी आ सकती है उसमें, क्योंकि वो भी तो एक हमारी कोई चीज़ है ना, वस्तु है, वो थिंग है। और फूड की हैबिट होती है हमारी, या और ड्रेस होती है, कुछ स्टोरीज, ड्रामा, म्यूजिक होता है जो कि क्या है कि पहले था और हम उसी को फॉलो करते चले जा रहे हैं, वो हमारा नॉन मटेरियल हेरिटेज कहलाता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, लेट्स ट्राई फॉर, आओ देखो हम चौथी एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं।
स्टूडेंट्स, आप सबने देखा होगा कि जितना पैरा हम पढ़ते हैं उससे रिलेटेड ही उसमें क्वेश्चंस बनते चले आते हैं। तो यहाँ पे भी हमें आगे लेट्स ट्राई फोर है उसमें भी कुछ इससे रिलेटेड ही है। यहाँ आपको इमेज बताई जाएगी एक और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विद इन पेयर्स लुक एट द इमेज ऑफ द पेंटिंग मेड ऑन द वॉल्स ऑफ द केव्स फाउंड इन अ प्लेस नोन एज भीमबेटका इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। अब देखिए, हम बात करते हैं आगे समूह के रूप में। लुक एट द इमेज, आप एक आकृति को देखिए जो पेंटिंग्स है जो दीवार पे बनी हुई है। ये पेंटिंग किस पे बनी हुई है? वॉल्स पे बनी हुई है। कौन सी वॉल्स पे बनी हुई है? ऑफ द केव्स, जो गुफाओं की जो केव्स होती है, मतलब जो गुफाओं की वॉल्स होती है उस पे बनी हुई है। फाउंड इन ए प्लेस, अब ये प्लेस कौन से स्थान पे पाया गया है? भीमबेटका में, जो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश राज्य में है, है ना। अभी आकृति आपको यहाँ पे फिगर थ्री में आपको दिखाई देगा, तो अभी हम उसके पास में चलते हैं। जैसे आप इसमें शो हो रहा है, दिखाई दे रहा है आपको, तो केव पेंटिंग इन भीमबेटका केव्स, तो भीमबेटका गुफाओं के अंदर ये गुफाएं की जो पेंटिंग मिली है वो वहाँ पे है ये पेंटिंग। तो आप सबको नजर आ रही है, इसमें आपको पिक्चर्स भी शो हो रही है, कुछ डायग्राम से बने हुए हैं, कुछ आकृतियाँ बनी हुई है वो आप सबको दिखाई हो रही दे रही है। दिस पेंटिंग हैज़ बीन मेड बाई ह्यूमंस हु लिव्ड इन फॉरेस्ट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। ये पेंटिंग जो है वो मानव के द्वारा बनाई गई है, जो कि जंगलों में हजारों साल पहले जंगलों में रहता था, उनके द्वारा बनाई हुई है। नाउ विद इन पेयर्स डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड शेयर द आंसर विद द क्लास। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं, है ना, पेयर्स में ग्रुप में डिस्कस करते हैं और इनके आंसर जानने की कोशिश करते हैं। अगर आपको भी इनका सोचना है कि क्या ये कैसे हम भी बोल सकते हैं कि ये क्या करते थे, तो फर्स्ट है वाई डू यू थिंक वर दिस पेंटिंग्स मेड इन द केव्स। अब देखिए, मुझे बताइए कि आप ऐसे क्यों सोचते हैं कि जो पेंटिंग्स बनी हुई है गुफाओं में वो क्यों बनाई गई होगी, क्या सोच के बनाई होगी, मतलब क्यों बनाते थे वहाँ पे, क्या सोच के वो बनाते, तो आपको क्या दिमाग में चल रहा है कि आप क्या सोचते हो कि वो क्यों बनाते थे पेंटिंग्स? कुछ भी आंसर हो सकता है कि आप क्या सोचते थे कि देखिए आप अपन पेंटिंग्स क्यों बनाते हैं। हम जब वहाँ रहते हैं तो वहाँ पे स्पेयर टाइम होता है तो हम पेंटिंग्स बना लेते हैं कि नहीं बनाते? तो मैं तो यहाँ पे सोचती हूँ कि आई थिंक डैट दिस पेंटिंग्स हैव बीन मेड इन द केव्स बिकॉज द अर्ली ह्यूमंस लिव देयर। क्योंकि जो प्रारंभिक आदमी था वहाँ रहता था तो बैठा बैठा अपने चित्रों को उकेर लेता था, यानी बना लेता था। तो अंडरस्टैंड, आप समझ गए मैंने स्पीक किया जो क्वेश्चन, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, अभी मैं आपको इसका भी आंसर उसमें क्लियरिटी के साथ हो जाएगा, ठीक है। तो सभी नेक्स्ट क्वेश्चन को सुनेंगे। ड्यूरिंग दोज टाइम्स ह्यूमंस पेंटेड वाट एवर दे डिड और सा ड्यूरिंग द डे। What does this paintings tell you about the work these humans did during those times? यानी उस समय की अवधि में humans painted करता था, जो भी वो चीज़ देखता था और ये क्या करता था दिन में, उनको वो क्या करता था? Painted कर लेता था, यानी बना लेता था, चित्र के थ्रू drawing कर लेता था। And what does this painting tell you about the work these humans did? अब ये पेंटिंग समय क्या बताती है आपको, जो ह्यूमंस क्या करता था ना, तो मानव क्या करता था उसके बारे में। तो आप सबको पता है कि ज़्यादातर जो अर्ली ह्यूमंस जो थे वो क्या वर्क करते थे, पता है आपको क्या वर्क करते थे? वे क्या करते थे? हॉन्टेड एनिमल्स, वे क्या शिकार करते थे जानवरों का। ऐसे आप पिक्चर्स में भी आपके शो हो रहा होगा कि वो ग्रुप में कोई भी जानवर को लेके और उसको मारते हुए दिखाई देंगी, तो वो क्या करता था? शिकार की तरह किया करता था। तो आंसर क्या होगा इसका? दिस पेंटिंग्स टेल अस डैट द अर्ली ह्यूमंस हंटेड एनिमल, क्लियर, यानी वो शिकार किया करता था जानवरों का। नेक्स्ट है दे आर कैरिंग वेपन्स इन देयर हैंड्स, व्हाट डू यू थिंक दिस वेपन्स वर मेड अप ऑफ, मतलब वो अपने हाथों में क्या बताया गया, उनके वेपन्स बताए गए, हथियार बताए गए, आप क्या सोचते हो कि वेपन्स किससे बने हुए होते थे?
देखिए हमने चैप्टर को रीड किया, हम सबको पता है कि उनके पहले कोई भी वेपन्स इस तरह के नहीं होते थे जैसे हम आजकल क्या करते हैं, गन यूज़ करते हैं, करते कि नहीं करते, राइफल यूज़ करते हैं, या फिर हम ये कहें कि स्वॉर्ड यूज़ करते, तलवार यूज़ करते हैं कि ना ऐसे, तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो बहुत ज़्यादा इतना शार्प वाला जो वेपन्स होगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वो ओनली स्टोन्स के थ्रू बनाते थे, स्टोन्स होते थे या वुड के थ्रू उसको शार्प करके उसको बना लेते थे। तो ये चीज़ें होती थी उस समय, क्या थे वेपन्स तो नहीं थे ना कुछ भी, तो वो कैरिंग वेपन्स इन देयर हैंड, उनके वे मतलब वेपन्स रखते थे अपने हाथों में लेके जाते, तो कैसे वेपन्स होते थे। अब देखिए आप पिक्चर्स में भी आप देख रहे हो कि उनके जो वेपन्स किस टाइप में दिखाई दे रहे हैं, तो उनके तलवार टाइप में वेपन्स नहीं थे, उनके वेपन्स किस टाइप में थे यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ शो हो रहा है यहाँ पे, तो ये वेपन्स उनके इस तरह थे कि जैसे कि लकड़ी को ही शार्प करके बनाया गया है, तो यहाँ वेपन्स दिखाई दे रही है, स्टोन को शार्प कर दिया है, तो वो वेपन्स होते थे। तो हम कैसे आंसर लिखेंगे, आई थिंक डैट दिस वेपन्स आर मेड ऑफ स्टिक्स एंड स्टोन्स। मैं सोचती हूँ कि जो वेपन्स थे वो बने होते थे स्टिक्स से बने होते थे या फिर स्टोन से बने होते थे। Isn't it clear? Next, which animal do you think was used by them for riding? अच्छा आप देख के बता सकते हैं, देखिए पिक्चर में भी बिल्कुल क्लियरिटी के साथ शो हो रहा है कि देखो कि एक आदमी बताया गया है वो पास में किसके हॉर्स खड़ा वहाँ पे है ना, तो आप देख रहे हैं हॉर्स राइडिंग हो रही है ना, तो वो किस पे करता था, वो वहाँ पे हॉर्स था उसके पास में, तो आई थिंक हॉर्स वॉज यूज बाई देम फॉर राइडिंग। मैं सोचती हूँ कि हॉर्स को यूज़ किया जाता था राइडिंग के लिए। तो क्लियर हो गया यहाँ पे, तो यानी आपको ये पिक्चर देख के करना है, तो आपको इन चीज़ों को देखना है, तो इसको आपको नोटबुक में नहीं करना, ओनली फॉर योर नॉलेज, तो ये नॉलेज के लिए आपको इसको लर्न करना है, इसको समझना है। डज दिस पिक्चर गिव यू एनी अदर इंफॉर्मेशन अबाउट देम, इफ यस देन वॉट इज इट। क्या ये पिक्चर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन भी देती है, यदि हाँ तो बताइए कौन सी इन्फॉर्मेशन देती है। देखिए आपको पता है कि हमें ऐसे जब हम पिक्चर्स को देखते हैं और वो भी पास्ट वाले पिक्चर्स को देखते हैं पुरानी, तो उससे हमें क्या पता चलता है, पास्ट के बारे में ही तो पता चलता है, तो हम यहाँ क्या आंसर देंगे, यस दे हेल्प अस टू लर्न अबाउट अवर पास्ट। ये हमारी किस में सहायता करते हैं, पास्ट को याद करने में। देखिए पास्ट में हमें पता चलता है कि वो हॉर्स राइडिंग कर किया करते थे, उनके वेपन्स जो थे स्टिक्स से बने होते, स्टोन से बने हुए होते थे, ये सब चीज़ें हमें पता चलता है। ठीक है, तो ये तो स्टूडेंट तो आपको ये सब ध्यान, तो इनको आपको क्या करना है, मैंने इसका पीडीएफ भी आपके भेजा है इसका आंसर को, क्योंकि मैंने अभी स्पीक किया है तो यू कांट अंडरस्टैंड दैट, तो बट डोंट वरी अबाउट है ना, तो आप इसके लिए वरीड नहीं होंगे। तो नीचे आपके इसके आंसर दिए गए हैं पूरे, तो आप उनको एक बार वॉच कर लेंगे। ओके ओके स्टूडेंट, और लेट्स ट्राई थ्री, थर्ड है वो आपको नोटबुक में करना है। ओके एंड थैंक यू।